हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस कॉलम का नेम चेंज करेंगे और यहाँ पे जो हमारा ISBN नंबर है उसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे उस कॉलम को ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड एक्शन और यहाँ पे हुक का नाम, तो मैनेज अंडरस्कोर यहाँ पे पोस्ट टाइप बुक है तो बुक, उसके बाद पोस्ट कॉलम कॉलम्स और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे लिखूंगा बुक कस्टम CPT लिख देता हूँ, CPT कॉलम्स कर देता हूँ। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं Ctrl-C और यहाँ पे मैं सेमीकोलन और यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। एक इसमें हमें एरे लूंगा, इस एरे का नाम दे देता हूँ कस्टम कॉलम्स कर देता हूँ। इस एरे में हम अपना की और वैल्यू पास करूंगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ इस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी आईडी मिलेगी आपको, चेकबॉक्स का आईडी। जैसे मैं इस पे देख सकते हो ये CB है, चेकबॉक्स का आईडी CB है और इसी तरह टाइटल यहाँ पे आईडी है, तो इसे हम लोग एरे में पास कर देंगे। मान लो जैसे मुझे चेकबॉक्स चाहिए, चेकबॉक्स के लिए यहाँ पे आईडी मैंने पास कर दी और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स और इसके बाद इसी तरह इसकी टाइटल के लिए हम यहां से आईडी कॉपी कर लेंगे टाइटल आप, और यहां पे हम उस आईडी को पेस्ट कर दिया। और यहां पे इसका कॉलम नेम हमें चेंज करना है, जैसे अभी टाइटल सिर्फ आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि यहां पे बुक टाइटल दिखे। जैसे आप टाइटल है तो इसके रिलेवेंट बुक टाइटल करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बुक टाइटल। इसी तरह हमें एक यहाँ पे ऐड करना है ISBN नंबर, तो मैं यहाँ पे ISBN नंबर कर देता हूँ, ये कस्टम दे रहा हूं, और यहाँ पे कॉलम का नाम कर देता हूँ ISBN नंबर इस तरह से। और यहाँ पे हमें कैटेगरीज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक कैट और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज कर देता हूँ। अब मैं आपको इस पे रिफ्रेश करके दिखाऊं, और डेट के लिए आप इसके आईडी देख सकते हो, डेट ही है, तो मैं डेट को पहले बाद में रखूंगा, पहले आपको ये जो मैंने ऐड किया वो दिखा दूं। इनवैलिड आर्गुमेंट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने अभी पूरी तरीके से इसे कंप्लीट नहीं किया है। इसके बाद हमें इसे रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न RETURN रिटर्न और उसके बाद कस्टम कॉलम्स, इसे हमें रिटर्न करना। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये वार्निंग अब नहीं मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे बुक टाइटल हो गया, यहाँ पे ISBN नंबर और कैटेगरी, यहाँ से डेट चला गया। तो आप यहाँ पे डेट के लिए क्या करना है, सिंपल आईडी में डेट जो हम इंस्पेक्ट करने पे आपको मिलेगा डेट, और यहाँ पे आपको लिख देना है डेट। अब इसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे डेट भी आपको शो हो जाएंगे, देख सकते हैं ये। अब मैं चाहता हूँ ISBN नंबर की वैल्यू भी हमें डिस्प्ले करानी है, तो पहले मैं ये डॉट हटा देता हूँ थोड़ा, तो ये ISBN नंबर है इस तरह से दिखेगा।
ठीक है, इसमें अब हमें डिस्प्ले कराने हैं वैल्यू, तो इसके लिए हमें ऐड एक्शन करना है। मैं लिखूंगा ऐड एक्शन और यहाँ पे हुक का नाम मैनेज बुक्स, यहाँ पोस्ट नेम है तो बुक है तो बुक नहीं, बुक ही लिखना पड़ेगा, पोस्ट नहीं। उसके बाद कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम, ध्यान दें कि यहाँ पे जो मैं बुक लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे आपका जो पोस्ट टाइप हो, इवेंट हो तो इवेंट, अगर मूवी हो तो मूवी यहाँ पे आप लिखिएगा, अगर आप किसी और नेम से बना रहे यहाँ पे भी बुक्स के जगह पे आप कुछ और नाम दे देना। ये हुक का नाम है, आपको यहाँ पे जिस पोस्ट टाइप के लिए लिखना है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बाकी रेस्ट ऑफ सेम जो बाकी हमने लिख रखा है वो सेम रहेगा, आपका कोई भी पोस्ट टाइप हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन के सीपीटी कस्टम कॉलम डाटा लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रायर टू टेन कर देता हूँ, इसमें दो आर्गुमेंट हमें पास करना है। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन और इस फंक्शन को मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कॉलम और पोस्ट आईडी पास कर देता हूँ, दो आर्गुमेंट हमें लेने हैं, तो डॉलर कॉलम और यहाँ पे डॉलर पोस्ट आईडी। ठीक है, अब हमें इसमें स्विच स्टेटमेंट यूज करना है, स्विच स्विच और यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम्स में हमें ये रिसीव हो जाएंगे जो भी कॉलम्स हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले बुक कैटेगरी ले लेता हूँ, या आप इसको आईएसबीएन को, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा इफ स्विच केस में, मैं चेक कर लूंगा कि अगर ये आईएसबीएन नंबर है तो, और यहाँ पे मैं इको करूंगा आईएसबीएन नंबर इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा, पोस्ट मेटा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉलर पोस्ट आईडी और इसके बाद बुक, यहाँ पे भी हमें ये लिखना पड़ेगा कॉलम का नाम, आईएसबीएन नंबर। दूसरे केस में हमें लिखना है कैटेगरी के लिए लिखना है इसमें हमें, तो और यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू, इससे आपको टी आर यू ई ट्रू। आप देखिए मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे आईएसबीएन नंबर आपको दिख जाएगा, सॉरी ये दिखा नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैनेज एक्शन कॉलम गेट पोस्ट मेटा आईएसबीएन नंबर। बुक मैनेज का मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखा है, मैनेज बुक कस्टम कॉलम। अब एक बार इसे रिफ्रेश करता हूं, यहां पे शो नहीं हो रहा है कुछ, एक बार चेक कर लेता हूं कोड को अच्छे तरीके से, एड एक्शन मैनेज मैनेज
अंडरस्कोर बुक कस्टम कॉलम, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कॉलम्स लिख रखा है केस में, मैंने यहाँ पे जो दे रखा है आईएसबीएन नंबर, यहाँ पे गेट पोस्ट मेटा, आईएसबीएन नंबर ब्रेक, इसको मैं अब तक के लिए हटा देता हूँ। सेव कर लेता हूँ और एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। इको करने के बाद भी आईएसबीएन नंबर, आईएसबीएन नंबर गेट पोस्ट, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, देख लेता हूँ। पहले आईएसबीएन नंबर इसमें भी है और दूसरे वाले में भी है। यहाँ पे हमने, यहाँ पे गलती है सॉरी, तो पहले जैसा है वैसे हम लोग कर देते हैं। यूको आईएसबीएन नंबर यहाँ पे, अगर आपको इसके अंदर भी देखना हो, जैसे मैं इको इको आईएसबीएन कर देता हूँ और यहाँ पे कस्टम के जहाँ पे मुझे पोस्ट लिखना था, पोस्ट्स पोस्ट्स लिखना है। अब मैं इसे सेव कर लिया, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो भी यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पे मैनेज बुक पोस्ट्स पोस्ट, उसके बाद कस्टम कस्टम कॉलम, अब ये सही, उनका नाम हमने गलत दे रखा है। तो देख सकते हैं आईएसबीएन लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से हमें इको करा दिया हमने, जो हमारे मेटा वैल्यू में सेव है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि आईएसबीएन नंबर आपका डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हो। इसी तरह हमें कैटेगरी डिस्प्ले करानी है तो सेम केस, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने जो आईडी दे रखी है, जो की पास कर रखी है, यहाँ पे हमें देना है, यहाँ पे बुक कैट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले करानी है तो हमें क्या करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे टर्म्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें गेट द टर्म्स कर देता हूँ, टर्म्स गेट द टर्म्स, उसके बाद ये हमने पोस्ट आईडी लेना है, डॉलर पोस्ट आईडी, उसके बाद हमें कैटेगरी का नाम देना है। तो मेरा कैटेगरी का नाम बुक कैट है, आपका जो नाम हो कैटेगरी का वो आप चूज कर सकते हैं। हमने कैटेगरी का नाम यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा बुक कैटेगरी, यहाँ पे बुक कैट से काम नहीं होगा आपका, बुक कैटेगरी। और उसके बाद एक एरे में एक एरे ले लेता हूँ ओ यू टी नाम से, और यहाँ पे एरे, और इसको क्या करूंगा कि लूप चला के अगर वैल्यू है टर्म्स में तो इसे मैं सेमी एट कॉमा से सेपरेट करूंगा, कॉपी कर लिया। अगर
टर्म है तो उसके बाद फॉर इच, यहाँ पे टर्म्स, टर्म्स को कॉपी कर लिया और यहाँ पे एज टर्म कर देता हूं, टर्म डॉलर टर्म, और इसके बाद आउट में इसकी इसे हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं डॉलर आउट के अंदर डॉलर टर्म का जो नेम है वो हमें लेने लेना है और उसे डिस्प्ले कराने के लिए अगर मल्टीपल आप कैटेगरी आपको मिलेगी तो आप कॉमा के साथ दिखाओगे, तो यहाँ पे ज्वाइन और यहाँ पे उसके बाद जो हमने आउट नाम का जो एरे लिया है उसको हमने डॉलर ओ यू टी जो आउट में जो वैल्यू है उसको कॉमा के साथ हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो इसे हमने सेव कर दिया और मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं। देखिए अगर आपको दो कैटेगरीज में सिलेक्टेड है तो कॉमा के साथ आएगा, इसीलिए हमने ज्वाइन का यूज करके सेपरेट किया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कॉमिक, या आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोएट्री और इसे ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसे अपडेट कर दूंगा तो यही वैल्यू अब कॉमा के साथ यहाँ पे दिख रही, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है। अगर मैं हाइफन लगा दूं तो यहाँ हाइफन के साथ डिस्प्ले होगा, लेकिन आपको कॉमा के साथ ही दिखाना चाहिए, देख सकते हो, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, अब ठीक रहेगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इस वीडियो में हमने ये डिस्प्ले करा लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे यहाँ पे शॉर्ट सो ऑर्डर्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर सेट करेंगे इसको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड को भी सीखने कुछ मिले। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।